नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर गुरुवार को जिला एवं मंडल पदाधिकारी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रभारी पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश दयाशंकर सिंह ने सभी पिछड़ा वर्ग के मंडल एवं जिला पदाधिकारियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक भागीदारी बढ़ा है। जो सम्मान दिया गया है वह किसी पार्टी ने नहीं दिया। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा भारत विकास की ओर अग्रसर है। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने पिछड़ा समाज के लोगों के लिए योजनाएं चलाकर उत्थान करने का काम किया है। यही कारण है कि पार्टी में पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में भी कार्य समिति करके हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भास्कर जी, सभी लोग वहां से आए हुए हैं और हम लोग जिले स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सम्मेलन करने वाले हैं और पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने संकल्प लिया है कि हर बूथ पे हम 20 पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय मोदी जी को मजबूत करने का काम करेंगे। जो योगी जी और मोदी जी ने जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो काम किया है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे करके पिछड़ा समाज को सम्मानित करने का काम किया है। दूसरा, आज़ादी के बाद पहली बार उन्होंने 43 मंत्री जो बनाए, जिसमें 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के हर समाज के लोगों को बना करके 35% से ज़्यादा आरक्षण देने का काम किया है मंत्रियों को बना करके, जबकि सरकारी व्यवस्था के अनुसार पिछड़ा वर्ग को केवल 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन मोदी जी ने अपनी मंत्रिमंडल में 35% से ज़्यादा पिछड़ा समाज के मंत्रियों को स्थान दिया है। ऐसे समान कार्यकर्ता भी आज मोदी जी के मंत्रिमंडल के रूप मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्षों से जिसके हमारे पिछड़ा समाज के छात्रों की अभिलाषा थी कि चिकित्सा में उनको आरक्षण मिले, उनको नहीं मिलता था। जो मेडिकल की पढ़ाई होती थी उनके बच्चे उसमें उनका प्रवेश नहीं हो पाता था, लेकिन आज मोदी जी ने और पिछड़ा समाज के ही हमारे केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उन्होंने एक कानून बना दिया कि अब केंद्रीय मेडिकल कॉलेज में भी 27% आरक्षण पिछड़े समाज के छात्रों को मिलेगा। मोदी जी ने पिछड़े समाज के लिए 7 वर्षों के अंदर बहुत सारे काम किए हैं जो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।